वेलकम मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बॉबी देओल की अपकमिंग सारी फिल्मों के बारे में और इस साल बॉबी देओल की 4 फिल्में आने वाली है उसके बारे में। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। पहली मूवी है बॉबी देओल की कंगुआ। इस मूवी में हमें बॉबी देओल विलन के रोल में देखने को मिलने वाले हैं। इस मूवी को डायरेक्शन देने वाले हैं साउथ के सुपर डायरेक्टर शिवा और इस मूवी का बजट है 300 करोड़ रुपए। इस मूवी में हमें बॉबी देओल के अलावा सूर्या और दिशा पटानी देखने को मिलने वाली है और ये मूवी हमें इसी साल 10 अक्टूबर 2024 में देखने को मिलने वाली है। ये मूवी हमें पैन इंडिया रिलीज होती दिख रही है। दूसरी मूवी है बॉबी देओल की देवरा। जी हाँ, जूनियर एनटीआर और बॉबी देओल का फेस ऑफ हमें देवरा पार्ट 1 में देखने को मिलने वाला है। इस मूवी में हमें बॉबी देओल, जूनियर एनटीआर, जानवी कपूर, सैफ अली खान जैसे सितारे देखने को मिलने वाले हैं। इस मूवी को डायरेक्शन दिया है कोरोटाला शिवा ने और ये मूवी हमें 27 सितंबर 2024 को सिनेमा घरों में देखने को मिलने वाली है और इस मूवी का बजट लगभग 250 से 300 करोड़ बताया जा रहा है। तीसरी मूवी है बॉबी देओल की जो इस साल आने वाली है वो है हरिहर वीरा मल्लू। इस मूवी में हमें बॉबी देओल एक तगड़े विलन के रोल में देखने को मिलने वाले है। बॉबी देओल के अलावा इस मूवी में हमें पवन कल्याण, निधि अग्रवाल, औरा फतेही और विक्रमजीत जैसे एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं। इस मूवी को डायरेक्शन देने वाले हैं क्रिस जगन्नामुली। इस मूवी की अभी रिलीज डेट कंफर्म नहीं की गई लेकिन ये मूवी हमें 2024 के एंड तक जरूर देखने को मिल सकती है। चौथी मूवी है बॉबी देओल की एनबीके 109। इस मूवी में हमें बॉबी देओल, बाला कृष्णा ये दो एक्टर लीड रोल में देखने को मिलने वाले हैं। इस मूवी को डायरेक्शन देने वाले हैं के एस रविंद्रा और इस मूवी का बजट 150 करोड़ बताया जा रहा है और ये मूवी भी अभी रिलीज डेट कंफर्म नहीं की गई लेकिन ये मूवी भी 2024 में रिलीज हो सकती है। पांचवी मूवी है बॉबी देओल की सोल्जर 2। जी हाँ, आपने सही सुना। इस मूवी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर रमेश तोरानी ने कंफर्म कर दिया है कि सोल्जर 2 बनने जा रही है और इस मूवी में हमें बॉबी देओल और प्रीति जिंटा ही लीड रोल में देखने को मिलेंगे और इस मूवी की शूटिंग 2025 में शुरू कर दी जाएगी। रमेश तोरानी ने बताया कि इस मूवी में बॉबी देओल के साथ एक दो नए चेहरे भी कास्ट कर दिए जाएंगे। आप बॉबी देओल की ये मूवी के लिए एक्साइट है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और प्लीज आपके भाई की चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बॉबी देओल के फैंस है तो सब्सक्राइब कर दो। बात करते हैं अगली मूवी के बारे में। छठी मूवी है बॉबी देओल की अपने 2। जी हाँ, अपने 2 में हमें बॉबी देओल, सन्नी देओल और उनके पापा धर्मेंद्र जी तीनों एक्टर देखने को मिलने वाले हैं। इस मूवी को डायरेक्शन अनिल शर्मा गदर 2 के ही डायरेक्टर डायरेक्ट करने वाले हैं और ये मूवी धर्मेंद्र जी के प्रोडक्शन हाउस कंपनी तले बनने जा रही है और इस बार इस मूवी में बॉबी देओल, सन्नी देओल और धर्मेंद्र जी के अलावा सन्नी पाजी के बेटे करण देओल भी शामिल हो गए हैं और इस मूवी की शूटिंग हमें 2025 में देखने को मिलेंगी और 2026 तक ये मूवी हमें सिनेमा घरों में देखने को मिलने वाली है। सातवीं मूवी है बॉबी देओल की अल्फा। जी हाँ, वायर ऐप की स्पाई यूनिवर्स के साथ बॉबी देओल भी जुड़ चुके हैं। आलिया भट्ट और सरवरी बाग के सामने बॉबी देओल अल्फा मूवी में एक तगड़े विलन का किरदार निभाते देखने को मिलने वाले हैं और बॉबी देओल ने हाल ही में इस मूवी की शूटिंग भी स्टार्ट कर दी है और ये मूवी हमें 2026 में
शुरुआती दौर में सिनेमा घरों में देखने को मिलने वाली है। आठवीं मूवी है बॉबी देओल की मच अवेटेड मूवी एनिमल पार्क। जी हाँ, इस मूवी में बॉबी देओल की फिर से वापसी होने वाली है। इस मूवी के डायरेक्टर संदीप रेंडी वांगा ने ये कंफर्म कर दिया है और एक बार फिर से हमें बॉबी देओल इस मूवी में तगड़े विलन के किरदार में देखने को मिलने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो इस मूवी को डायरेक्शन दिया था संदीप रेंडी वांगा ने और इस मूवी में मुख्य किरदार में हमें बॉबी देओल, रणबीर कपूर, तृप्ति डिमरी देखने को मिले थे। उनके अलावा हाउसफुल 5, यमला पगला दीवाना अगेन जैसी मूवी अंडर प्रोडक्शन में पड़ी है, लेकिन अभी इन पर कोई कंफर्म न्यूज नहीं है। तो आपको क्या लगता है, बॉबी देओल को आने वाले समय का बॉलीवुड का सबसे तगड़ा विलन मानते हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए आप अपने भाई की चैनल पागल बॉलीवुड एक्शन को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे बोलो क्यों मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और बॉबी देओल के फैंस है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।